सो फर्स्ट है थूकना। थूकना कोई लिक्विड चीज को या कोई खाने की चीज को फोर्सफुली, तो थूकना को इंग्लिश में कहा जाता है स्पिट। स्पिट मतलब थूकना। और अगला है छीनना। छीनना या झपटना किसी चीज को, तो छीनना को इंग्लिश में कहा जाता है स्नैच। स्नैच मतलब छीनना। और टटोलना, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये टटोल रहा है किसी चीज को, ढूंढने की कोशिश कर रहा है किसी चीज को, तो टटोलना को इंग्लिश में कहा जाता है फंबल। फंबल मतलब टटोलना। नेक्स्ट है खोदना। खोदना या गड्ढा करना कुछ इस तरीके से, तो खोदना को इंग्लिश में कहा जाता है डिग। डिग मतलब खोदना। और डूबना, किसी चीज का डूबना, जैसे शिप डूब रही है, तो इस डूबना को इंग्लिश में कहा जाता है सिंक। और अगर कोई इंसान डूब रहा है तो इंसान के डूबने के लिए यूज होता है ड्राउन का, ना कि सिंक का। सिंक यूज होता है चीजों के डूबने के लिए। और डूबने से बचाना, तो बचाना को इंग्लिश में कहा जाता है रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब बचाना। और अगला है बांटना। किसी वस्तु को दो या दो से अधिक लोगों में बांटना, जैसे ये बच्चे बांट के खा रहे हैं, तो बांटना को इंग्लिश में कहा जाता है शेयर। शेयर मतलब बांटना। और आपको भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट है ऊपर चढ़ना कुछ इस तरीके से, तो चढ़ना या ऊपर चढ़ना को इंग्लिश में कहा जाता है असेंड। और नीचे आना या नीचे उतरना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिसेंड। नेक्स्ट है कसना। कसना जैसे टाई को कसते हो या ढीला करते हो आप, और आप पेच को भी कसते हो या ढीला करते हो, तो कसना को इंग्लिश में कहा जाता है टाइटन मतलब कसना। और ढीला करना, टाई को ढीला करना या बेल्ट को ढीला करना या फिर पेच को ढीला करना, तो ढीला करना को इंग्लिश में कहा जाता है लूसन मतलब ढीला करना। और फूक मारना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फूक मार रहा है, तो फूक मारना को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लो। ब्लो मतलब फूक मारना। और अगला है जलाना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जला रहा है मोमबत्ती को, तो जलाना को इंग्लिश में कहा जाता है लाइट। लाइट मतलब जलाना। नेक्स्ट है ढेर लगाना। ढेर लगाना जैसे यहाँ पे बुक का ढेर लगा हुआ है और यहाँ पे कुर्सियों का भी ढेर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो ढेर लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है स्टैक। स्टैक मतलब ढेर लगाना। और मरम्मत करना किसी टूटी हुई चीज की या फिर कोई डैमेज है उसकी, तो मरम्मत करना को इंग्लिश में कहा जाता है रिपेयर, या फिर आप बोल सकते हो मेंड। मेंड भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है भटकना। भटकना या इधर उधर घूमना या मारा मारा फिरना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉन्डर। वॉन्डर मतलब मारा मारा फिरना या भटकना। और अगला है टहलना। टहलना को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मतलब टहलना। और अगला है तमाचा मारना या थप्पड़ मारना किसी को, तो थप्पड़ मारना को इंग्लिश में कहा जाता है स्लैप, या फिर आप बोल सकते हो स्मैक। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट है खिलना। फूल का खिलना, तो खिलना को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लूम। ब्लूम मतलब खिलना। और मुरझाना फूलों का कुछ इस तरीके से, तो मुरझाना को इंग्लिश में कहा जाता है श्रिवल। श्रिवल मतलब मुरझाना। और अगला है सूंघना। जैसे एक कुत्ता अपनी हड्डी को सूंघ रहा है और ये आदमी जो देख रहे हैं आप, वो फूल को सूंघ रहा है, तो सूंघना को इंग्लिश में कहा जाता है स्निफ। स्निफ मतलब सूंघना। और गाना किसी सॉन्ग को, तो गाना को इंग्लिश में कहा जाता है सिंग। और गुनगुनाना कुछ इस तरीके से, तो गुनगुनाना को इंग्लिश में कहा जाता है हम। और अगला है चिल्लाना कुछ इस तरीके से, गुस्से से, तो चिल्लाना को इंग्लिश में कहा जाता है शाउट। नेक्स्ट है नाचना। नाचना कुछ इस तरीके से, तो नाचना को इंग्लिश में कहा जाता है डांस। और नेक्स्ट है अभ्यास करना। अभ्यास करना या रियाज करना, तो अभ्यास करना को इंग्लिश में कहा जाता है प्रैक्टिस। और अगला है खोना। किसी चीज को खो देना, जैसे इसने अपना पर्स खो दिया है, तो खोना को इंग्लिश में कहा जाता है लूज मतलब खोना। नेक्स्ट है कसम खाना। कसम खाना को इंग्लिश में कहा जाता है स्वेयर। स्वेयर मतलब कसम खाना। और चमकना किसी चीज का चमकना, तो चमकना को इंग्लिश में कहा जाता है शाइन। और फेंकना जैसे किसी चीज को फेंकना, जैसे बॉल को फेंकना, तो फेंकना को इंग्लिश में कहा जाता है थ्रो। और पकड़ना किसी चीज को पकड़ना, तो पकड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है कैच। और अगला है चूकना। किसी चीज को पकड़ने से चूक जाना, जैसे बॉल, तो चूकना को इंग्लिश में कहा जाता है मिस। और अगला है पीछा करना। पीछा करना कुछ इस तरीके से, तो पीछा करना को इंग्लिश में कहा जाता है चेस।
और नेक्स्ट डे छिपना, छिपना किसी से या छिपाना कोई चीज किसी से, तो छिपना या छिपाना को इंग्लिश में कहा जाता है हाइड। और खाना, फूड को चबा चबा के, तो खाना को इंग्लिश में कहा जाता है ईट। और चबाना, चबाना को कहा जाता है इंग्लिश में च्यू, मतलब चबाना। और अगला है खिलाना, किसी बच्चे को खिलाना या किसी जानवर को खिलाना, तो खिलाना को इंग्लिश में कहा जाता है फीड। और चाटना, चाटना कुछ इस तरीके से, तो चाटना को इंग्लिश में कहा जाता है लिक। और चूसना, चूसना कुछ इस तरीके से, तो चूसना को इंग्लिश में कहा जाता है सक। नेक्स्ट है चुनना, चुनना किसी दो चीज में से या किसी दो इंसान में से किसी को चुनना, तो चुनना को इंग्लिश में कहा जाता है चूज, चूज या फिर आप बोल सकते हो सिलेक्ट। और अगला है मंडराना, आकाश में मंडराना किसी पक्षी का या किसी विमान का, तो मंडराना को इंग्लिश में कहा जाता है हवा, हवा मतलब मंडराना। नेक्स्ट है सोना, सोना को इंग्लिश में कहा जाता है स्लीप। और जागना, नींद से जागना या जगाना किसी को, तो जागना या जगाना को इंग्लिश में कहा जाता है अवेक, अवेक मतलब जागना या जगाना। नेक्स्ट है सुनना, जब आप किसी की बात ध्यान से सुन रहे हो या कोई गाना ध्यान से सुन रहे हो, तो उस सुनना के लिए आप यूज करेंगे लिसन का। और जब आप किसी की बात ध्यान से नहीं सुन रहे हो तब भी वो आवाज आपको आ रही है, तब उस सुनना को इंग्लिश में कहा जाता है हियर। नेक्स्ट है हिलना, हिलना या हिलाना किसी चीज को ऊपर नीचे या इधर उधर, जैसे बॉटल को आप हिलाते हो इधर उधर या ऊपर नीचे, तो उस हिलाना को इंग्लिश में कहा जाता है शेक। और नेक्स्ट है रोना, रोना को इंग्लिश में कहा जाता है क्राय। और हंसना को इंग्लिश में कहा जाता है लाफ। नेक्स्ट है पीटना, पीटना को इंग्लिश में कहा जाता है बीट। और काटना, कुत्ते वगैरह का काटना, तो काटना को इंग्लिश में कहा जाता है बाइट। और अगला है डंक मारना, मधुमक्खी वगैरह का डंक मारना, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टिंग, स्टिंग मतलब डंक मारना। एंड द लास्ट वन इज तोड़ना, तोड़ना या टूटना किसी चीज का, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्रेक। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट में बताइए थूकना और छीनना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख के बताइए मुझे कमेंट में। और इस वीडियो में मैंने 50+ वर्ब कवर किए हैं, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।